गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से मैं ज़रफ़शां ज़ैदी। ये वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की सीरीज़ चल रही है और इसमें हम ग्रीक फ़िलासफ़ी को पढ़ रहे हैं, जिसमें प्लेटो पर इन दिनों वीडियो सीरीज़ चल रही है। हमने पिछले वीडियो में प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडिया के ऊपर बात की थी। आज हम बात करेंगे कि प्लेटो आइडियाज़ की क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, कौन कौन सी खूबियां हैं प्लेटो के आइडियाज़ में। देखिए, पहले प्लेटो की जो आइडिया हैं वो हैं सब्सटेंस, द्रव्य। अब सवाल ये उठता है कि द्रव्य क्या है, हम किसे द्रव्य कहते हैं। तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि द्रव्य वो हैं जो गुणों को धारण करते हैं, है ना, जिसमें गुण रहते हैं वो द्रव्य होता है। इसलिए जो गुण हैं वो द्रव्यों पर निर्भर करते हैं, और द्रव्य कुछ ऐसा है जो कि गुणों पर निर्भर नहीं करता है, जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं कि सोना सब्सटेंस है, इसलिए सोना सब्सटेंस है कि उसके अंदर चमकीलापन, पीलापन, हार्डनेस, कठोरता, ये गुण होते हैं जो कि जिसे हम सोना मेटल है एक वो इन गुणों को धारण किए हुए है। तो सोना जो है वो सब्सटेंस है, और चमकीलापन, पीलापन, कठोरता, ये गुण हैं, ये गुण उस द्रव्य के अंदर रहते हैं, यही माना जाता है आमतौर पर। फिलॉसफी में भी यही मानते हैं कि जो द्रव्य है वो क्या है, सेल्फ एग्जिस्टेंट रियलिटी है। तो वो कुछ ऐसी सत्ता है जो कि सेल्फ कॉज्ड है, सेल्फ डिटरमिंड है, जो अपने अस्तित्व के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है। अगर उसकी सत्ता किसी और पर निर्भर नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका कोई दूसरा कारण नहीं है, बल्कि उसके ऊपर वस्तुएं निर्भर हो सकती हैं। इसको इस तरह से समझिए जैसे कि हमारे मज़हब में, हमारे धर्मों में जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, है ना, तो जो धर्म में ईश्वर क्या है, जिसने समस्त जगत को बनाया है, तो सारा जगत किस पर आश्रित हो गया, ईश्वर पर आश्रित हो गया। लेकिन ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया है, वो क्या है, स्वयंभू है, सेल्फ कॉज्ड है, सेल्फ एग्जिस्टेंट है, उसको अपने अस्तित्व के लिए किसी और पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है। तो आइडियाज़ क्या हैं, आइडियाज़ सब्सटेंस हैं, द्रव्य हैं, अपने अस्तित्व के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है, पहली बात। दूसरी उनकी विशेषता क्या है, आइडियाज़ यूनिवर्सल हैं। अब सवाल ये उठता है कि पर्टिकुलर क्या है, यूनिवर्सल क्या है, दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो पर्टिकुलर को हम कहते हैं विशेष, यूनिवर्सल को हम कहते हैं सामान्य। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यहाँ पर सभी चीज़ें क्या हैं, विशेष हैं, पर्टिकुलर हैं। पर्टिकुलर वो होती हैं जिनमें कुछ विशेष गुण होते हैं, जिनका कोई आदि होता है, जिनका कोई अंत होता है, जो परिवर्तनशील होती हैं, जिनके जिनमें समय के साथ साथ बदलाव आता रहता है, जो एक वक्त ऐसा आता है जब वो ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कि मैं और आप, है ना, मछली, घोड़ा, बादल, पहाड़, नदी। यहाँ इस दुनिया के अंदर जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, जितने भी सजीव हैं, वो सब क्या हैं, पर्टिकुलर हैं, विशेष हैं। लेकिन हमने जैसे कि सॉक्रेटीज़ में पढ़ा था कि विशेषों के समूह हैं, और उन विशेषों के अंदर जो सामान्य गुण हैं उनको क्या कहा जा रहा है, कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय, वो क्या होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं।
क्यों होते हैं यूनिवर्सल? उनको आम बोलचाल में कहा जाता है सामान्य। और वो सामान्य क्यों हैं? क्योंकि वो स्थाई हैं, वो अपरिवर्तनशील हैं, उनका कोई आदि और अंत नहीं है। वो किसी एक पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में नहीं है, है ना, वो देश और काल से परे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं सभी विशेष मनुष्य हैं, जिनका रंग रूप कद आवाज़ सब भिन्न भिन्न है, लेकिन एक मैननेस है, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ मैन, मनुष्यता, वो क्या है? वो सामान्य है, वो परिवर्तनशील नहीं है, वो किसी एक मनुष्य से जुड़ी हुई बात नहीं है। मनुष्यता सिर्फ मेरे से जुड़ी हुई बात नहीं है, सिर्फ आपसे जुड़ी हुई बात नहीं है, बल्कि जो प्रत्येक मनुष्य में होते हुए भी उसी मनुष्य से बंधी हुई नहीं है, वो है सामान्य। तो आइडियाज़ क्या होते हैं? सामान्य होते हैं। तीसरी विशेषता है आइडियाज़ की कि वो देश और काल से परे होते हैं। अब अगर वो टाइम और स्पेस दोनों से ही आउटसाइड हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर वो किसी पर्टिकुलर स्पेस में होंगे, है ना, किसी स्पेसिफिक जगह पर होंगे आइडियाज़, तो फिर हम उनको देख सकते हैं, है ना। अगर वो बहुत छोटे हुए तो हम माइक्रोस्कोप से देख लेंगे, अगर वो बहुत बड़े हुए तो हम टेलीस्कोप से देख लेंगे, बहुत बड़े हुए और दूर हुए तो जैसे हम चांद सितारों को देख लेते हैं। लेकिन आइडियाज़ क्या हैं? स्पेस से बियॉन्ड हैं, देश में स्थित नहीं है, इसीलिए वो पर्टिकुलर नहीं है, वरना वो क्या हो जाएंगे? वो भी विशेष हो जाएंगे। दूसरा, वो समय में नहीं है। अब इसका क्या मतलब होता है कि वो समय से परे हैं? वो समय से परे हैं इसलिए वो नित्य हैं, है ना। समय से परे होने का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब टाइमलेस की बात हो रही है यहाँ पर, ये नहीं हो रहा है कि वो हर टाइम में सेम रहते हैं। उनके संदर्भ में, प्रत्ययों के संदर्भ में जो समय है वो इररेलेवेंट है, बेमानी है। वो जिसे हम टाइम कहते हैं वो उससे परे है, इसीलिए वो नित्य हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता। फिर उनकी अगली विशेषता है कि वो अपरिवर्तनशील और अविनाशी हैं। इम्यूटेबल और इम्पैरिशेबल होने का क्या मतलब है? कि उनमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो स्थाई हैं, है ना। परिवर्तन क्या होता है? आज मैं कल कैसी थी, आज कैसी हूँ, कल कैसी होंगी, परसों हो सकता है नहीं भी रहूँ, लेकिन प्रत्यय ऐसे नहीं है। हर जो विशेष है उसका आदि और अंत होता है, लेकिन प्रत्ययों का कोई आदि और अंत नहीं है। वो क्या है? वो अविनाशी है, वो कभी भी नष्ट नहीं होते। प्रत्ययों की एक और खूबी है कि वो एक है। देखिए, जो विशेष होते हैं वो अनेक होते हैं, मनुष्य क्या है? अनेक है, लेकिन जो आइडिया ऑफ मैन है वो एक है, वो अनेक नहीं है। फिर जो प्रत्यय हैं वो एसेंस हैं, सार तत्व हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जो प्लेटो के आइडियाज़ हैं, प्रत्यय हैं, वो क्या हैं? ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स हैं, वो वस्तुनिष्ठ संप्रत्यय हैं। और वस्तुनिष्ठ संप्रत्यय जब शब्दों में अभिव्यक्त होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? परिभाषा कहलाते हैं, है ना। तो जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? स्थायी होती है, वो अपरिवर्तनशील होती है, वो एक तरह से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो परिभाषा से उसको कंपेयर करते हैं,
है ना, कि ये वही है या नहीं है। सपोज हम कोई आकृति देखते हैं त्रिकोण की, तो हम देख परिभाषा देख लेते हैं त्रिकोण की, कि त्रिकोण की ये परिभाषा है, अच्छा इस परिभाषा के अनुरूप ये आकृति है तो ये त्रिकोण है, वरना ये त्रिकोण नहीं है, है ना। तो परिभाषा में क्या चीज़ें आती हैं, जो उसका सार तत्व होती है, जो उसका इसेंस होती है ना। इसको इस तरह से समझिए कि मनुष्य की कोई अगर कहे कि आप परिभाषा दीजिए, तो मनुष्य की परिभाषा क्या है, कि वो रैशनल एनिमल है, बौद्धिक प्राणी है वो, है ना। तो ये उसका प्रत्येक मनुष्य का जो सार तत्व है वो इस परिभाषा में आ गया। अब भूरे बाल हैं, काला रंग है, मोटी आवाज़ है, छोटा कद है, ये सब विशेषताएं भिन्न भिन्न हैं जो कि परिभाषा में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जो आइडियाज़ होते हैं वो इसेंस है, वो सार तत्व है। फिर जो प्लेटो के आइडिया हैं उनकी एक और विशेषता है कि वो रैशनल हैं, बौद्धिक हैं, है ना। उनको उनको जाना जा सकता है थ्रू रीज़न, सेंस परसेप्शन से हम नहीं जान सकते, ये तो हमें पता चल गया है, क्योंकि वो देश और काल से परे हैं, वो सामान्य हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर प्लेटो एक इम्पॉर्टेंट बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आइडियाज़ की जो नॉलेज है वो इंट्यूशन से नहीं होती, और वो कोई एक मिस्टिक एक्सपीरियंस भी नहीं है, जो रहस्यात्मक अनुभूति नहीं है, है ना, जो किसी संत को हो जाएगी और किसी को हो जाएगी, किसी को नहीं होगी, नहीं। वो कह रहे हैं कि ये रैशनल नॉलेज है, रीज़न से, एक आप जब कोशिश करते हैं थ्रू थॉट्स आइडियाज़ को, आप आइडियल नॉलेज को आप ग्रास्प कर पाते हैं, पकड़ सकते हैं। तो ये थी प्लेटो के आइडियाज़ की विशेषताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज़ पर आगे बात करेंगे। थैंक यू।